गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति है। मैं अपने दोस्तों को नया साल मकर संक्रांति जो हिंदू मैथोलॉजी से नया साल है उसकी बधाई देता हूं। और दूसरी तरफ आज 14 जनवरी जो कि सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई का इशू था उसकी हियरिंग भी नहीं लगी, तो वो तो मेरे को पहले से आइडिया था कि नहीं लगेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो टाइम ही नहीं है, हियरिंग का तो टाइम ही नहीं दे रहे, वो बहुत देर से नहीं दे रहे और काफ़ी देर नहीं भी देंगे अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बाहर बैठ के किसी को कुछ नहीं पता। हमने सुप्रीम कोर्ट अटेंड की है, कोर्ट की हियरिंग हम बहुत अटेंड की है, तो इसलिए मेरे को पता कि सुप्रीम कोर्ट टाइम नहीं देगी क्योंकि ऑलरेडी इस इशू पे डिस्कशंस हो चुकी हैं। ये तो एक इशू हो गया। दूसरी तरफ अब आईसीए की बोर्ड की बारी है। आईसीए बोर्ड कह रहा था कि हम 14 जनवरी तक वेट करेंगे, तो आईसीए बोर्ड के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि मेरे को एक प्रॉब्लम है पर्सनल। जब हमने आईसीए बनाई थी तो हमने बहुत एफर्ट करके पर्सनली 1000 आदमी को फोन करके मेंबर बनाया था, मेंबरशिप फॉर्म दे दे के भरवा भरवा के, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि आप बताओ जी, अब आप बताओ हम मेंबर बने थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था। उसकी प्रॉब्लम मेरे को बार बार आती है, कभी विदर्भा से तो कभी झारखंड से तो कभी कहीं से फोन आते हैं, तो मैं आईसीए बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपके नंबर दे देता हूं, तो लोग आपसे बात करके आपसे पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही, क्या चल रही, कहां चल रही, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कुछ भी। और मैं बात भी नहीं इस बात में बात इसलिए नहीं कर रहा कि आईसीए बोर्ड कहता है 14 जनवरी खत्म हो गई, तो आईसीए बोर्ड और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके नंबर मैं सब ग्रुप में डाल दूंगा, तो लोग अपने आप बात करके आपसे पूछ लेंगे कि कहां कहां क्या पोजीशन है। तो आईसीए बोर्ड का अब उनको बताना है कि कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा, जो भी है कि कैसे चल रहा है, आगे कैसे चलेगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन 3-4 महीने तो हमने रोक ली क्योंकि हमने उन पर बहुत रिक्वेस्ट करके मेंबर बनाए थे, लोग मेंबर बनने को तैयार नहीं थे, उठा उठा के घर से मेंबर बनाए थे। जब मेंबर बनाए थे वोटिंग के लिए बोला था, हमने शोर कर करके वोटिंग कराई, तो इसलिए उनकी वो हम पे डिपेंड करते हैं। अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये ऐसे बने, क्योंकि मेरे कोई कमिटमेंट थी कि आईसीए बननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने इतनी लड़ाई लड़ी थी कि क्रिकेटर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बीसीसीआई में भी और स्टेट्स में भी। उसके लिए जो कीर्ति जात, बिशन सिंह बेदी, जब जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि बहुत लड़ाई करके आईसीए की क्रिकेटर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात बनी थी, तो जो बात बनी थी वो 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा डल्यूट हो गई लगती, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं और मेरे को ये आज तक समझ नहीं आ रही कि ये डर किस बात से रहे हैं। ये को दोबारा टेस्ट मैच तो खेलेंगे नहीं, दोबारा तो मैच खेलेंगे को रणजी ट्रॉफी को टेस्ट मैच तो खेलेंगे नहीं, ये किस बात से डर रहे हैं? कोई बीसीसीआई इनको कुछ कह थोड़ी रही है, बीसीसीआई रिक्वेस्ट करें बीसीसीआई से, या जो बात हो रही है मेल है ओपन डाल देंगे, ये नहीं मान रहे तो लोगों को पता तो चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए ये अब आईसीए बोर्ड के नंबर सबके और रिप्रेजेंटेटिव के और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल सबके नंबर मैं अब वेब जितने ग्रुप्स हैं आर्मी ग्रुप और मेरे ग्रुपों में जो 250 लोग हैं सीनियर क्रिकेटर्स ग्रुप उसमें मैं डाल दूंगा, लोग अपने आप बात करें और मैं लिख दूंगा कि मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो कि बहुत बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन है जो 70 साल से चल रही है, उनमें क्या क्या लोग काम कर रहे हैं, कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं। और परसों एक बीसीसीआई की मीटिंग थी जो सेरेमनी थी, बोर्ड में कोई सेरेमनी थी, उसमें मैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूं कि आपने किसको रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा था, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। जिस बंदे को आपने भेजा था उसकी ऑडियो तो चेक करो मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मिस्टर सेक्रेटरी और बीसीसीआई, ये ऑडियो में सब पूरी दुनिया में जा चुकी है, मैं भी सुनता हूं, आपने उसको वहां रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया, तो ये तो कमाल कर देते हैं आप। दूसरी बात पुनीत बाली जी जो सेक्रेटरी हरियाणा से आए हैं, उन्होंने एक नया काम शुरू करने लगे हैं कि जो डायरेक्टर क्रिकेट डायरेक्टर वो योगराज सिंह को बनाने जा रहे हैं, जो शोर पड़ा हुआ बहुत पंजाब में। सर इसके लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, अभी तो आपने मुल्लांपुर स्टेडियम में उसको दे दिया कि तू क्रिकेट खिला और अपने बच्चों को खिलाओ और अपने डीएवी कॉलेज के बच्चों को खिलाओ, तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं क्या उसके चार्जेस को दे रहा है उस ग्राउंड के? अदरवाइज पंजाब के क्रिकेटर्स को तो अलाउड ही नहीं है, ना फॉर्मर को ना करंट को, तो सिर्फ हरियाणा के क्रिकेटर या चंडीगढ़ के क्रिकेटर वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उनसे आपसे ये भी पूछूंगा मिस्टर बाली, क्योंकि आप इंचार्ज हैं, 3.5 महीने हो गए आपको चार्ज लिए हुए, तो चार्ज लिए आपको 3.5 महीने हो गए, अभी तो टेंडर की बात चलेगी, जो आपने टेंडर 8 करोड़ का निकाला, मैं तो पांडिचेरी में 8 करोड़ में 3 ग्राउंडें देख के आया हूं, तो यहां तो ग्राउंड ही नहीं बनी कोई। तो ये इश्यू अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।